सर थर्ड क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए। सर बिल्कुल, मैं थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा ये स्क्रीन जो है सर कोई बच्चे थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, पूरा थर्ड क्वेश्चन नहीं। जो पूछ रहा था आपसे सर, पता नहीं कौन सा वॉलपेपर लगा रखा है। अरे सर आपकी फोटो ही दिखा दी सर, अपने आप उतार रहा, पता नहीं कैसे उतार रहा सर, ये होस्ट सर। अरे सर रितेश मेहरा के हाथ रोबोटिक हो गए हैं, अपने आप काम करते। अबे मोटन तेरा मोबाइल हो चुका है सर, अब आपने स्क्रीन शेयर ऑन कर दी, आपने स्क्रीन शेयर शुरू कर दी सर, रिकॉर्डिंग तो आए सर। चलो हम बिगाड़ दें ये सर, बच्चे पता नहीं क्या बना रहे हैं, एबीसीडी करके ड्राइंग बननी सर, ये ड्राइंग वाला सब्जेक्ट सर, ये ड्राइंग क्लास करेंगे सर सारे बच्चे, ड्राइंग क्लास बना देंगे। अरे भी वाइट गैप नहीं रहे भाई लोग, एक भी वाइट गैप नहीं रहना चाहिए। अरे बच्चों ने क्या कर दिया रे सर, देखिए सर अब रोल गुप्ता की स्क्रीन शेयर अब सही है। ये बेटा यस सर, हां सर अब बिल्कुल सही है सर, सबको एक बार फिर से डिस्टरबेंस रहा है और मैं इसे एक बार समझा देता हूं, फिर से देखिए। मतलब तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर स्कीम है, तो जो सबसे इसमें बड़ा है उस वैल्यू को हमने निगेटिव है, मैं सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी मानी जाती है, तो छोटे से बड़े क्रम में हमने सेम कर लिया। जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं था एलसीएम लेकर के हमने उसको सिंपली सेम किया। अब उसके बाद में उसे जो है छोटे से बड़े क्रम नंबर में जो सबसे बड़ा है माइनस में वो सबसे छोटा माना गया, और जो नंबर में सबसे जो है छोटा है माइनस में बड़ा माना गया, उसी क्रम में सीक्वेंस बना। इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर इसमें क्या है कि 7, 2 और 4 ये चारों हमारे क्या है डिफरेंट है, तो हमने इन सभी का एलसीएम निकाल लिया। पहले एलसीएम कितना आया 28, तो 28 कैसे आया 2 × 2 × 7 = 28। तो अब क्या करना होता है इसमें कि इसमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो जो बचता है उसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके हमने रैशनल नंबर एक नया फाइंड किया है, और बड़े से छोटे क्रम में यानी जो जितना बड़ा होगा माइनस में उतना छोटा माना जाता है, तो छोटे से बड़े क्रम में अब इसमें बड़े से छोटा बनाएंगे तो निगेटिव में ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा, तो -42 सबसे छोटा है, उसके बाद -21 है, उसके बाद -12 है, और ये सीक्वेंस हमारा जो है तैयार हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसे जो है हम लोगों ने बड़े ध्यान से देखा, और अब मैं अब आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम जिन स्टूडेंट्स को है वे पूछ रहे, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ बेटा, तो कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। बंद कर दीजिए। हाँ बेटा, प्रॉब्लम हुई तीनों को शुरू में। हेलो, और यहाँ से मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ राजेन के पास, थर्ड पार्ट था इसमें डिनोमिनेटर नहीं सर, न्यूमरेटर सेम था सर, तो भी आप एलसीएम क्यों निकालो सर, हम न्यूमरेटर सेम है तो कुछ नहीं कर सकते। न्यूमरेटर की ट्रिक है कि न्यूमरेटर अगर जो है सेम होता है सर, आगे थर्ड वाला जो है के बेस पर हम उसको इससे भी कर सकते हैं बिना एलसीएम के भी हम कर सकते हैं सर, छोटा ही रहेगा। यस यस, तो जिसका जो है डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो नंबर जो है हमारा जो है उतना ही जो है माइनस में वो सबसे छोटा माना जाता है, और अगर सर ऐसे ही सर आंसर वही आएगा है तो उतना बड़ा माना जाता है, ताकि होता उल्टा है लेकिन निगेटिव साइन की वजह से उसको रिवर्स में लिखना पड़ता है। ठीक है, बिना उसको मिडिल वाला क्वेश्चन एलसीएम के बेस पे कराया है,
तो हमने जो है इस काम को इसके बेस पर ही हमने बता दिया, ठीक है? यस सर। तो सभी लोग पहले अपनी वीडियो ऑन करें। तो सर वीडियो ऑन है और अपनी स्क्रीन पर जो लोग हैं, ये मेरी घड़ी भी ऑन है। अरे भव्य बच्चों दिखाऊं? सर देखिए अपने स्क्रीन पर चोली नहीं है और एक दूसरे पे सर भव्य ना बच्चाली पराठी पहनी है। चल रही है, आपको सभी लोग सुन रहे हैं। कौन पहने भरे सारे वो लाइट बंद कर दीजिए। काम दिखाऊं? तो सभी अपने स्क्रीन पर जो है सभी अपनी कामियां दिखाएं। यस ठीक है। मृदुल की कापी दिख गई, रितेश मेहरा की कापी दिख रही है, ध्रुव चौधरी की कापी दिख रही है और इसमें जो है ध्रुव चौधरी कापी के बाद ये सार्थक शरण भी दिख रहे हैं, प्रियांशु जोशी भी दिख रहे हैं, केशव रस्तोगी, वंश राजपूत और इसके बाद भव्य अग्रवाल। एक बार में देख लिया बेटा, बार बार नहीं दिखाना कापी ने, और बाकी लोग कापी दिखा नहीं रहे भाई क्योंकि 22 पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे हैं। केशव रस्तोगी बोलो बेटा, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, बोलिए। सर लाइट बंद कर दीजिए, वहां पर कुछ दिख नहीं रहा है। लाइट जहाँ जल रही है वहां पर कुछ दिखाई नहीं, मैंने केवल सोल्यूशन लिखा है इसमें। ओके ओके सर। हाँ, और ये जो है एक नेक्स्ट है अविरल गुप्ता। अविरल गुप्ता को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। अविरल गुप्ता ईशान कांटपाल। यस सर। हाँ अपना क्वेश्चन पूछे, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? थोड़ा सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा प्रॉपर। ये अभी स्पीनर भी घुमा रहे भव्य अग्रवाल। चलिए अभी क्या है कि मैं इसमें तीनों समझा दिया और बहुत बच्चों ने सुना भी, क्योंकि जो है कुछ बच्चों के यहाँ से डिस्टर्बेंस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके बाद फिर मैं आप सभी को अनम्यूट करूंगा। तो मैं अभी इस समय सबको म्यूट कर रहा हूँ और अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज डेसिमल नंबर 8, इसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, तब तक बोर्ड को मैं यहाँ पे रब कर दूं। देखिए तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको यहाँ बताया है हमने कि रेशनल नंबर के अभी जो है 9.2 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 है पहला। यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे लाइव चल रही है तो मैं इसके स्थान पर मैं यहां लिख रहा हूं इसका फर्स्ट पार्ट। ये है 5/4 + -11/4 ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ दो साइन दिखाई दे रहे हैं, तो दो साइन दिखाई दे रहे हैं तो प्लस माइनस, जब भी अपोजिट साइन होंगे तो उनको हम चेंज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों में प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये हो गया 5/4 - 11/4 प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर दो साइन है, अब ये छोटा है ये बड़ा है, बड़े में से छोटे को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो ये आपको मिलता है -6/4। तो -6/4 आ गया। अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई भी करना चाहते हैं तो ये हो गया -3/2 आपका आंसर। बहुत आसान है, हमें क्या करना है कुछ नहीं, पहले साइन को ठीक करना है। पहला स्टेप क्या है, जो भी दो साइन एक जगह दिखाई दे रहे हैं उन साइन को हमें ठीक करना है और उसके बाद यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा
और उसके बाद बड़े में से छोटी को हम माइनस करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास जो है सेकेंड नंबर है, पूछा गया है 5/3 + 3/5। अब यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय ध्यान देना है कि 5 और 3 जो है हमारे एलसीएम लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ बराबर है डिनोमिनेटर, तो इसको डिनोमिनेटर को इक्वल करने का मैंने तरीका अभी आपको सिखाया था, इसीलिए बार बार इसको मैंने एलसीएम से किया था 3 और 5। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, पहला छोटा नंबर है 3 से, 3 1 3 यहाँ पे हो गया 5। अब हम 5 से इसको कट कराएंगे, तो 5 को कट कराएंगे तो आ जाएगा 1 और 5 बन जा 5, तो ये एलसीएम कितना हो गया इसका 15, यानी कि 3 × 5 = 15। अब 15 एलसीएम हो गया। करते क्या है, इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करते, तो 3 5 = 15 5 आ गया, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई, यानी कि 5 × 5 कर ली, प्लस 5 के डिवाइड करेंगे 15 में, 5 3 = 15, तो 3 × यहां पर हो गया 3, तो दैट इज इक्वल टू 5 5 = हमारे पास 25 और 3 3 = 9/15, ये हमारे पास 34/15, ये हमारा क्या हो गया आंसर है। आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो मिक्स में भी कन्वर्ट करने पर क्या करना होगा, मिक्स में कन्वर्ट करना होगा 34 में 15 से 2 टाइम में ये हो गया 30, ये हो गया 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 whole 4/15 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने जो है इसको भी बताया, फिर इसके बाद यहां पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। दो आईडी से जुड़े होंगे ना, तो अब यहां पर हमारे पास जो है इसका सेकेंड हो गया। अब ये बारी आ गई इसके थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट लिखा है 9/10, तो 9/10 हमारे पास है, तो ये माइनस का 9/10 प्लस और 22/15। अब ये इसको हमें सॉल्व करना है, तो 22/15 हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 10 का और 15 का, 2 से कटेगा ये 5 पार्ट में 15, फिर 5 से कटेगा 5 बन जा 5, पहले 3 से काटते, तो 3 5 3 = 15, फिर 5 से 1 1, तो हो गया 2 × 3 × 5, और ये हो गया हमारा 30। एलसीएम कितना हो गया 30। अब हमें क्या करना है, एलसीएम को यहाँ पर लिखना है 30, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 3 = 30, 3 बार में, तो माइनस का 9 इंटू